जो कि पुरानी गंज मंडी में गरीबों एवं वंचितों के कल्याण के लिए आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री शामिल हुए। केंद्र की मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग की पुरानी गंज मंडी में गरीब कल्याण संभागीय आम सभा का आयोजन किया गया, जहां विशेष रूप से संभागीय आम सभा में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। संभागीय आम सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के पहुँचने पर दुर्ग संभाग के सभी जिलों से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार के सफलतम 8 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, अमृत योजना व गरीब कल्याण जैसी योजनाओं के चलते देश की जनता का केंद्र की मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। पुरानी गंज मंडी में आयोजित संभागीय व आम सभा में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे व दुर्ग और भिलाई के सभी वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। भी ऐसा योजना नहीं जिनको हमने इस देश में गरीबों तक, हितग्राहियों तक पहुंचाने में सफल नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा इतिहास में कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया, प्रमाणित करके दिखाया। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता होने के नाते उनके इन 8 साल को आम जनता तक एक प्रकार के संदेश को पहुंचाने के लिए हमने उनके 8 साल भी मिसा इस कार्यक्रम का कार्यक्रम करके आम जनता को बताने का हमने प्रयास किया है। और इसी प्रकार का ये कार्यक्रम आज दुर्ग संभाग के हमारे 5 जिलों में कार्यक्रम। आप लोग निकल रहे हैं हर जगह, क्या यहाँ पे सफल जीता है केंद्र सरकार के? देखिए, मैंने कहा भी कि हमारे देखिए लोकतंत्र में अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है और एक सरकार खराब काम करती है तो अभी हम बताने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो आम जनमानस को प्रभावित करने वाली है उन तक पहुंचाने के लिए हमने स्कीम बना दिया, सीधे प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ पहुँचाने का फैसला हमने कर दिया। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वो सरकार में जितनी रुचि होना चाहिए गरीब आदमी के काम को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, बेनिफिशरी तक पहुँचाने के लिए, वो उसमें उनकी रुचि नहीं है। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं को ठीक प्रकार से कांग्रेस की सरकार भूपेश जी जनता तक पहुँचाए। ये हमारा प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और नहीं तो हम लोग लोकतंत्र में अगर नहीं पहुँचाएंगे तो हम जनता के साथ लड़ेंगे, जनता के साथ लड़ेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।